A galvanometer with a coil of resistance 12 ohms shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. तो गैल्वेनोमीटर है, ये सुई है उसकी, तो पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देती है 2.5 मिली एम्पियर पे, यानी कि जो करंट है गैल्वेनोमीटर में जाता है आईजी, वो 2.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, मतलब जो हम आईजी करंट गैल्वेनोमीटर पे लिखते हैं, ध्यान रखना वो कैसे बताया जाता है हमेशा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिस करंट पे हो जाए उसे आईजी बोला जाता है, मतलब उतना ही करंट काफी था सुई को पूरा मूव कराने में। अब सवाल है, और उसकी रेजिस्टेंस 12 ओम गैल्वेनोमीटर की, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5। तो भाई ए पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, इससे आपका पहला पार्ट आ जाएगा। 2.5 मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, 12 ओम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, और ये आई जो होता है वो होता है कितने का बनाना है। ओके, 7.5 माइनस 2.5 10 की पावर माइनस 3। अब 7.5 के सामने 2.5 10 की पावर माइनस 3 को निगलेक्ट किया जा सकता है, तो हम अगली लाइन में लिखेंगे 2.5 × 12 / 7.5 और × 10 की पावर माइनस 3। ये 3 बार गया, ये 4 बार गया, अल्टीमेटली शंट रेजिस्टेंस आ गई 4 × 10 की पावर माइनस 3 या 0.004 ओम्स। सो ये रेजिस्टेंस आपको लगानी पड़ेगी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। तो डायग्राम बना देता हूँ, ये गैल्वेनोमीटर है और ये आप शंट रेजिस्टेंस लगाओगे पैरेलल में, तो आपका गैल्वेनोमीटर 7.5 एम्पीयर का एमीटर बन जाएगा, ये बन गया एमीटर। ठीक है, जिसको आप फर्दर किसी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस के साथ लगा सकते हो, ये सेल है, ये पूरा सर्किट ही बना दिया मैंने। तो एमीटर लगता है हमेशा सीरीज में लोड रेजिस्टेंस जिसका आप, जिसमें आप करंट शो करना चाहते हैं। ये तो हो गया। अगला पार्ट है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, उसकी रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस आर एच वी अपॉन आई जी माइनस जी, इस फॉर्मूले से निकाली जाती, जिसमें वी की वैल्यू क्या होती है, जितने का बनाना है 10, और आई जी क्या है, जितने से चल रहा है पूरी सुई मूव कर रही, बता चुकी कितना है 2.5 मिली एम्पियर माइनस 12। सो वी कैन राइट 10 / 2.5 10 की पावर माइनस 3 माइनस 12, सो दिस विल बी 10,000 / 2.5 विल बी 4,000 माइनस 12 3988। ये वैल्यू रेजिस्टेंस लगाने पर यही वोल्ट मीटर हमारा 10 वोल्ट का, सॉरी ये गैल्वेनोमीटर हमारा 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाए। अब इसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, यहीं बना देते हैं। ये हमारी गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस हमने लगा दिया आर एच, तो ये चीज़ बन जाती है वोल्ट मीटर, जिसको हम लोड के अक्रॉस लगाते हैं पैरेलल में। ये आर एल है और ये सर्किट लोड के अक्रॉस लगाते हैं, ये चीज़ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा।